हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरे और चिक्की। चिक्की बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आज हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे कि घर पर आप एकदम परफेक्ट मुरमुरे और चिक्की कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुरमुरे बनाने के लिए हमने जो ये खील ली है, इनको हमने पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। कढ़ाई के अंदर डालकर थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। और ये हमने एक बाउल भरकर गुड़ लिया है और आधा बाउल हमने शक्कर की ली है। तो अब हम कढ़ाई लिया है, कढ़ाई के अंदर घी लगा लेंगे, जिससे कि गुड़ इसमें चिपकेगा नहीं। तो पूरे कढ़ाई पे हम घी को अच्छे से लगा लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे और इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। इसको हम चलाते रहेंगे अच्छे से। हम गुड़ को छोटा छोटा टुकड़ों में कर ही डालेंगे और इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर शक्कर भी डाल देंगे, जो कि अच्छे से इसके अंदर घुल जाएगी। पहले गुड़ को मेल्ट करेंगे, फिर इसके अंदर शक्कर डालेंगे। शक्कर और गुड़ को डालकर इसके अंदर अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से पक चुका है। हम इसकी कंसिस्टेंसी आपको शो करते हैं। ये एक तार का होना चाहिए, या आप किसी कटोरी के अंदर डालकर भी देख सकते हैं। ये इसकी बाउल बननी चाहिए, गोला सा बनेगा इसके पानी में डालेंगे तो। आप देखिए ये परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर खील डाल देंगे। ये हम इसके अंदर 3 बाउल के करीब खील डालेंगे, 1.5 बाउल शक्कर या फिर गुड़, और उसे डबल खील डाल देंगे इसके अंदर। एक ही कप से या किसी भी बर्तन से आप मेजरमेंट करें तो आपके जो ये मुरमुरे हैं और ये चिक्की बनेगी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने गैस को अब बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है और अब हम गैस को बंद कर देंगे बस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर दें और इसको अच्छे से मिला लें। देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। इसको जल्दी जल्दी से मिला लें, क्योंकि ठंडे होने के बाद इसके मुरमुरे नहीं बनते। तो मुरमुरे बनाने के लिए हम हाथ पे पानी लगाकर इनके गरम गरम के ही मुरमुरे बनाएंगे और चिक्की बनाएंगे। चिक्की बनाने के लिए हमने थाली को पहले घी से ग्रीस कर लिया था और अब इसके ऊपर जो ये हमने खील तैयार की है वो सारा बैटर इसके ऊपर डाल देंगे। और एक कटोरी लिए, हमने उसके ऊपर घी लगा लिया। ये देखिए हमने मुरमुरे बनाना शुरू कर दिया है और इस थाली के अंदर डाल दिया, 2 थाली के अंदर डाला हमने। और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे कटोरी के साथ, क्योंकि ये अच्छे से सेट हो जाएंगे ऊपर से। इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये निकलने में आसानी होगी इसे। और अब हम इसको ऐसे ही प्रेस करके अच्छे से ऊपर से फ्लैट करके इसको 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट में सेट होकर तैयार हो जाएगा एकदम। ये देखिए हमारे मुरमुरे, देखिए ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे मुरमुरे बने हैं, आप देख सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको हमारी ये सिंपल रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, आप देख सकते हैं इनकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई है। और अब हम 15 मिनट के बाद इनको चिक्की को निकाल लिया है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट हमारी चिक्की बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। ये देखिए आप,
15 मिनट के बाद ये और ज़्यादा थोड़े टाइट हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज। थैंक यू।